सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फोर्थ यूनिट जो है व्हाट इज पर्सनालिटी, एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, इट्स बेनिफिट इन योर प्रोफेशनल लाइफ, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। अब पर्सनालिटी क्या होती है, हम सुनते आ रहे हैं इतने सालों से, कई लोगों के मुंह से सुन चुके हैं पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। हम खुद चाहते भी हैं कि हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी हो, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हो, पर एक्चुअली पर्सनालिटी होती क्या है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और ये जानना हमारे लिए इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका सब्जेक्टिव नॉलेज अपनी जगह होता है और आपका पर्सनालिटी का जो इन्फ्लुएंस है वो अपनी जगह होता है। अब पर्सनालिटी को हम एक इजी लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो वो होती है हमारी खुद की एक पहचान। एंड गुड आफ्टरनून मैडम, पर्सनालिटी, गुड आफ्टरनून बेटा, एंड इंडिविजुअल, हाँ बोलो क्या हुआ मैडम, लेट क्यों आए? मैं लेट आई हूँ जी मैडम। बेटा अभी लेक्चर अटेंड कर लो, अपन बाद में डिस्कशन करते हैं, ओके? होस्ट बताया था मैडम, कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मतलब आप आए नहीं होंगे। बेटा मैं आप लोगों से 5 मिनट पहले कनेक्ट हो जाती हूँ, है ना? मैडम मैंने देखा था तो आप होस्ट बता रहे थे, तो मैंने बोला कि नहीं कनेक्ट नहीं होंगे, पर्सनल मीटिंग में की प्रॉब्लम होगी कुछ, अदरवाइज मैं 1 बजे से पहले यहाँ कनेक्ट हूँ, आप समीर से पूछ सकते हो। हाँ पहले मैम, पहले ही आ गए हैं, कब मीटिंग स्टार्ट हो गई, बहुत पहले से। चलो 9 मिनट हो गए मेरे को आया। लेक्चर कंटिन्यू करें बेटा, आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। मैम हम बात कर रहे थे पर्सनालिटी की, कि पर्सनालिटी एक्चुअली क्या है, हमारी अपनी खुद की एक पहचान जो किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं होती, जिसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करें, इसे डिफाइन करना चाहें, तो इट इज अ यूनिक एंटिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन अ पर्सन एंड हिज एनवायरनमेंट। ये बनती कैसे है, हम एक पर्सन की जो क्वालिटी इंडिविजुअल होती है प्लस वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है, उन दोनों के इन्फ्लुएंस को मिलाकर एक पर्सनालिटी बनती है। इट कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन्स बिहेवियर। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये एक पर्सन का बिहेवियर है, उसका एक्शन है, उसका पोस्चर, यानी वो कैसा खड़ा होता है, कैसा उठता है, बैठता है, किस तरह की लैंग्वेज यूज करता है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी सोच क्या है। और इजी शब्दों में समझना चाहें तो इसे आप किसी व्यक्ति की छुपी हुई भावनाएं, उसकी क्वालिटीज के रेफरेंस में भी समझ सकते हैं कि एक पर्सन के अंदर जो जो क्वालिटीज हैं, जो उसकी फीलिंग्स है सराउंडिंग्स को लेके, दैट बिकम्स पर्सनालिटी। ये कोई बाहर की चीज नहीं है, ये पर्सनालिटी आपका खुद का हिस्सा है, आपके अंदर होती है और आपको दूसरों से अलग एक पहचान दिलाती है। पर्सनालिटी एक्चुअली क्या है, जो आपको दूसरों से अलग एक पहचान देती है, जिससे ये तय होता है कि आप हैं। इस बिजी वर्ल्ड में जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, इनहेंसमेंट की बात करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की बात करते हैं, ये सारे टर्म्स आपने कई जगह सुने होंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस के बारे में सुना होगा, पर्सनालिटी एनहेंसमेंट के बारे में सुना होगा, लेकिन ये काम कोई और नहीं कर सकता। इसके लिए कोई कोचिंग नहीं होती, कोई ट्रेनिंग नहीं होती, आपकी पर्सनालिटी आपके कंट्रोल में होती है, आप उसे चेंज करते हैं, आप उसे मॉडिफाई करते हैं, उसे अल्टर करते हैं। कोई दूसरा आपकी पर्सनालिटी तब तक चेंज नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसे चेंज नहीं करना चाहें। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पर्सनालिटी चाहते हैं। अब इस पर्सनालिटी के भी कई इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं जिन्हें हम कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं।
जिनमें सबसे पहला होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। किसी भी अनुभव को, किसी भी नए एक्सपीरियंस को हम कितनी खुली सोच रख के एक्सेप्ट करते हैं। सोच दो तरह की होती है, एक खुली सोच, दूसरी रूढ़िवादी सोच जो पुराने ढर्रे पे ही चलती रहना चाहती है। तो जब भी हमें कोई नया एक्सपीरियंस मिलता है, कोई नई चीज हमें लाइफ से सीखने को मिल रही है, आप उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं या नहीं, ये चीज डिसाइड करती है आपकी पर्सनालिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपकी पर्सनालिटी का। दूसरा होता है कॉन्शियसनेस, मतलब आपके एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए आप कितने अलर्ट हैं, कितने अवेयर हैं, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है। एक अच्छी पर्सनालिटी केवल आपका लुक्स पर डिपेंडेंट नहीं होती कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, आप अच्छे से रेडी हो गए तो आप एक अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हो गए, नहीं। आपका करंट अफेयर्स को लेकर नॉलेज कितना है, आप कितने अपडेटेड हैं, आप कितने अलर्ट हैं चीजों को लेकर, ये सारी चीजें एक इफेक्टिव पर्सनालिटी का हिस्सा होती है। देन इट कम्स एग्रीबलनेस, नई चीजों के साथ आप कितना एग्री करते हैं। हर इंसान का अलग अलग नजरिया होता है नई चीजों को एक्सेप्ट करने को लेकर। अक्सर हमारी सोच ये होती है कि जो हम जानते हैं केवल वही सही है, केवल उतना ही सही है, लेकिन हमारी पर्सनालिटी का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जब हमें हमारी कोई कमी पता चले तो हम उसे एग्री करें, जब हमें कोई चेंजेस सजेस्ट किए जाएं तो हम उसे एग्री करें। उसके बाद आ जाता है इमोशनल फैक्टर। इमोशनल होना आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंसान के नेचर की एक बहुत बड़ी कमजोरी माना जाता है कि वो इमोशनल है। नो, इमोशंस आपकी कमजोरी नहीं होते। आपके अंदर इमोशंस होना ये बताते हैं दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आप में एक ह्यूमन बीइंग की, एक इंसान की क्वालिटीज हैं, इसीलिए आप में इमोशंस हैं। आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें इमोशंस होते हैं। आप प्लांट्स की केयर करते हैं तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि उनके पास हमारी तरह ऑर्गन्स नहीं है, उनका जो ऑर्गन सिस्टम है वो इतना डेवलप्ड नहीं है। जानवरों में भी इमोशंस होते हैं और इसीलिए वो हमारे इमोशंस समझते हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग जिसका पूरा ऑर्गन सिस्टम, जिसका ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, उसके अंदर इमोशंस होना कोई उसकी नेगेटिव क्वालिटी नहीं कही जा सकती। इट्स ऑल्सो अ पॉजिटिव ट्रेट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो ये कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर एक पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये ट्रेट्स स्टेबल होते हैं, और ये कहाँ से आते हैं, पर्सन के जीन्स और उसके एनवायरनमेंट से। बट इन फैक्ट ऐसा नहीं होता, हमारे अंदर कोई भी फैक्टर स्टेबल नहीं होता। ये फैक्ट है कि कुछ चीजें हमें जीन्स से मिलती हैं, जैसे कि हमारे लुक्स, हमारा कॉम्प्लेक्शन या हमारे फिजिक, ये बहुत कुछ जीन्स पर डिपेंडेंट होती है। कुछ हद तक हमारा नेचर भी हमारे पेरेंट्स से अफेक्ट होता है, हालांकि वो एक जेनेटिक फैक्टर नहीं है, पर हाँ अफेक्ट होता है। तो कुछ चीजें जीन्स पर डिपेंडेंट होती है और कुछ चीजें हमारे एनवायरमेंट पर, जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं। जैसा हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हिंदी या जो भी हमारी मदर टंग है, निमाड़ी, मराठी, गुजराती, उसे सीखने के लिए हमें किसी बुक की जरूरत नहीं होती, किसी एक्स्ट्रा ट्यूशन की या क्लासेस की किसी टीचर की जरूरत नहीं होती।
क्यों? क्योंकि हमारे सराउंडिंग में हमें 24 घंटे वही सुनाई देती है, और वो सुनते सुनते हम सीख भी जाते हैं, उसका मीनिंग भी समझने लग जाते हैं। वह हमें वोकेबुलरी कोई अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती कि इस वर्ड का मीनिंग ये होता है और इसे यहाँ पर यूज करना है, या हमें लर्न नहीं करना होता जैसा कि इंग्लिश के केस में होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सराउंडिंग्स का, हमारे एनवायरमेंट का एक हिस्सा है, इसलिए हमारे लिए वो जरूरी नहीं होता कि हम उसे लर्न करें, हम उसे यूज करते करते सीख लेते हैं। जैसे नॉर्मली आप लोग, बात करूं मैं आपकी यंग जनरेशन की, तो आप लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उसके गाड़ी के कई पार्ट्स होते हैं जिनसे आप उस गाड़ी को ऑपरेट करते हैं, जैसे एक्सेलरेटर होता है, ब्रेक होता है, या अदर पार्ट्स होते हैं। आपने उनका मीनिंग जानने की कभी कोशिश नहीं की। एक्सेलरेटर एक इंग्लिश वर्ड है, आपने कभी उसका मीनिंग जानने की कोशिश नहीं की, पर आपको ये पता है कि उस एक्सेलरेटर को यूज करने से क्या होगा, इसलिए आप उस गाड़ी को ऑपरेट कर पाते हैं। आपको ये पता है कि क्लच दबाने से क्या होगा, क्लच का हिंदी मीनिंग नहीं पता है आपको, इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी मीनिंग नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि क्लच का यूज करने से क्या इफेक्ट होने वाला है, इसलिए आप उसे अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो हम जो सीखते हैं उसमें हमारे एनवायरमेंट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जैसा हमने अभी एक पर्सनालिटी का फैक्टर देखा था, उन्हीं पर्सनालिटी के फैक्टर्स को हम अगर डिटेल में समझने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह होंगे। फर्स्ट हमने पढ़ा था ओपननेस टू एक्सपीरियंस, मतलब यदि हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ग्रूम करना चाहते हैं, तो क्वेश्चनिंग कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए। हम न्यूटन का एग्जाम्पल कई बार कोट करते हैं कि उसने जब पेड़ से एप्पल गिरता हुआ देखा तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हुआ। व्हाट वाज दिस क्वेश्चन? कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा? और उसी क्वेश्चन ने उसे एनकरेज करा, प्रोवोक करा कि वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ढूंढ निकाले। ग्रेविटेशन पहले भी था हमारे नेचर में, न्यूटन से पहले किसी ने उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करी। देयरफॉर ही वाज द फर्स्ट वन टू डिस्कवर लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये जब हम कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, ग्रूम करना चाह रहे हैं, तो हमारे अंदर ये क्यूरियसनेस होना चाहिए, इन्वेंशन करने की सोच हमारी होनी चाहिए कि हम रोज कुछ नया ढूंढें, हम रोज एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढें। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्शियसनेस। अब व्हाट इज कॉन्शियसनेस? एज आई टोल्ड यू, इट इज अलर्टनेस। क्या है कॉन्शियसनेस? अलर्टनेस हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं उनको लेकर। दो तरह के एटीट्यूड होते हैं, एक हर चीज के लिए अलर्टनेस होना, दूसरा होता है जब हम हर चीज को केयरलेसली लेते हैं। हमारे आसपास जो हो रहा है उसे देखते हुए हम अलर्ट हो जाएं, एक तरीका ये है, और दूसरा कि हमारे आसपास जो हो रहा है उसके लिए हम रिलक्टेंट हो जाएं कि जो हो रहा है होने दो। हाउ आर वी कंसर्न्ड विद दैट? जैसा फिलहाल अभी इस महामारी में हम में से बहुत से लोगों का एटीट्यूड देखने को मिला, गवर्नमेंट के इतने इंस्ट्रक्शंस के बाद कुछ लोग तो अलर्ट हो गए, और कुछ लोगों की सोच ये रही कि हाँ ठीक है ना, दूसरों को हो रहा है, हमें तो कुछ नहीं होगा, तो हम क्यों रूल्स फॉलो करें? तो अच्छी पर्सनालिटी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि हमारे अंदर अलर्टनेस हो हर चीज को लेकर। जो भी वेरिएशंस हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उनके लिए हम अलर्ट हों। देन इट कम्स एक्सट्रावर्जन। एक्सट्रावर्जन मींस टू बी एनर्जेटिक।
ये एक्सट्रावर्जन जो है ये एक पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. अच्छी पर्सनालिटी, लोग आपकी तरफ तभी इम्प्रेस होंगे जब उन्हें आपके अंदर पॉजिटिविटी नजर आएगी, आपके अंदर एनर्जी नजर आएगी, जील नजर आएगा, एंथुजियाज्म नजर आएगा. आप खुद अपने फ्रेंड सर्कल में जिंदा दिल लोगों से जुड़े रहना पसंद करते हैं. अगर आप एक ग्रुप में हैं, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करेंगे जो हंसता मुस्कुराता हुआ मिले, जो जिंदा दिल हो, जिसके पास जाकर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले. ऐसे लोग जो उदास हैं, जिनके अंदर एनर्जी नहीं है, उनसे जुड़ना कोई नहीं चाहता. तो हमारे अंदर जब पॉजिटिव एनर्जी होगी तभी हमारी पर्सनालिटी दूसरों को अट्रैक्ट करेगी, दूसरों को अपील करेगी. उसके बाद आता है एग्रीबलनेस. जैसा मैंने बताया, एक हिंदी में भी हम लोग बचपन से दोहा सुनते आ रहे हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए. कि अब हमें क्रिटिसाइज करने वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा हमारे आसपास होना चाहिए, हमारी गलतियां बताने वाला व्यक्ति, हमारी गलतियां ढूंढने वाला व्यक्ति, हमें हर बात पर टोकने वाला व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति हमारे बहुत क्लोज होना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के हमारे अंदर पॉजिटिविटी डेवलप कर रहा है. उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी इंटेंशनली हमारा अच्छा चाह रहा है, ऐसा नहीं है. हर निंदक हमारा वेलविशर हो, ऐसा नहीं होता. कुछ लोग हमें डीमोरलाइज करने के लिए भी क्रिटिसाइज करते हैं. अब ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आप उस क्रिटिसिज्म को कितने हेल्दी मैनर में ले रहे हैं. अगर आप उस क्रिटिसिज्म को हेल्दी मैनर में लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. कि अगर आपके चलने की स्टाइल की कोई हंसी उड़ा रहा है तो आप दूसरे दिन से उस आदत को सुधारने की कोशिश करेंगे, अगर आप उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली ले रहे हैं तो. पर इसके लिए जरूरी यह है कि आप उससे एग्री करें. अगर कोई आपकी कमी बता रहा है तो आप उसे एग्री करें कि हाँ, मेरे अंदर ये शॉर्टकमिंग्स हैं और इसे मैं ऐसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकता हूँ. हमारे फिजिकल लुक्स को हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे अपीयरेंस को हम चेंज नहीं कर सकते. जो चेंज कर सकते हैं वो होता है हमारा एटीट्यूड, हमारा आउटलुक टुवर्ड्स द वर्ल्ड, टुवर्ड्स द एनवायरमेंट. उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूरोटिज्म, जिसे हमने इमोशनल फैक्टर के नाम से भी समझा था. हमारे अंदर इमोशंस होना कोई बुरी बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम यू शुड हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस. हर इमोशन को हर जगह एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, यू नीड टू हैव अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर योर इमोशंस. हो सकता है किसी दिन आप ओवर एक्साइटेड हैं, पर जहां पर आप काम करने जाते हैं वहां पर कोई एक्सीडेंट हो गया है. नाउ यू नीड टू कंट्रोल योर ओवर एक्साइटमेंट एट योर प्रोफेशनल प्लेस. आपको अपने उस एक्साइटमेंट को, अपने उस पर्सनल खुशी को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पर कोई सीवियर एक्सीडेंट हुआ है. वहां पर अगर आपके चेहरे पर खुशी दिखाई देगी, अगेन इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. उसी तरह ऐसा हो सकता है कि किसी दिन आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप बहुत ज्यादा अपसेट हैं, लेकिन आपके वर्क प्लेस पर किसी चीज का सेलिब्रेशन हो रहा है, फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है, या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, या आपके टारगेट अचीवमेंट की सक्सेस पार्टी हो रही है. अब वहां आप अपने पर्सनल इमोशंस को अपने पर हावी नहीं होने दे सकते. अगर आपके एनवायरमेंट में, आपके सराउंडिंग्स में कोई हैप्पीनेस का फैक्टर है, तो आपको वहां पर अपने पर्सनल इमोशंस को कंट्रोल करके उस इमोशन को ज्वाइन करना पड़ेगा जो पूरे ग्रुप के साथ है. सो इमोशनल
being emotional is not your negative factor, but at the same time, you should have strict control over your emotion. Your emotions should be stable. तो ये वो फैक्टर्स थे पर्सनालिटी के जो हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो होता है कम्युनिकेशन. जब भी आप किसी से मिलते हैं तो पहला तो आपका अपीयरेंस उसे इन्फ्लुएंस करता है. व्यक्ति दूर से आपको देखता है, आपकी चाल ढाल देखता है, आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस, व्हाटएवर. नेक्स्ट आता है आपके कम्युनिकेशन. एंड उस कम्युनिकेशन के भी दो हिस्से होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. आप दूसरों से किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बात को एक पॉजिटिव मैनर में, इन्फ्लुएंशियल मैनर में रिसीवर तक कैसे पहुंचा रहे हैं. जिस दिन से हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, हम पहले दिन से यही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. और कोई भी कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब सेंडर के द्वारा कन्वे किया गया मैसेज एज इट इज सेम फॉर्म में रिसीवर तक पहुंचता है, जैसा सेंडर के ब्रेन में था, सेम उसी फॉर्म में रिसीवर तक पहुंचता है, तभी वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कहलाता है. अदरवाइज That is not a successful communication. मैं अपनी बात आपसे दो languages में कर रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, तभी मैं आप तक अपना मैसेज पहुंचा पा रही हूँ. यदि मैं प्योरली इंग्लिश में बोलूँ या प्योरली हिंदी में बोलूँ, बिल्कुल साहित्यिक हिंदी में, that will not be a communication, that will not be a two-way process. तब वो टू वे प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि सेंडर ने तो मैसेज सेंड कर दिया पर रिसीवर उसे रिसीव नहीं कर पाया या पार्शियली रिसीव कर पाया. यस मैम. जब हम पर्सनल या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस, कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं. सेकेंडली क्लैरिटी ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स. आप अपने पर्सनल गोल्स को कितना जानते हैं, प्रोफेशनल गोल्स को कितना जानते हैं. देन सिंसियर एफर्ट्स टू लर्न नेसेसरी स्किल्स एंड रिमूव वीकनेस. आपके एफर्ट्स कितने हैं नेसेसरी स्किल्स को सीखने के लिए और अपनी कमियों को दूर करने के लिए. देन इट कम्स योर कैरेक्टर एंड कंडक्ट. आपका कैरेक्टर कैसा है, कंडक्ट यानी आपका व्यवहार कैसा है. नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर एंड सेल्फ डिसिप्लिन. आपका आत्मविश्वास कितना है, विल पावर मतलब इच्छा शक्ति कितनी है, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आप कितने स्व अनुशासित हैं. नेक्स्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग एंड गुड मॉरल वैल्यूज. आप कितना पॉजिटिवली सोचते हैं और आपकी मॉरल वैल्यूज मतलब आप में नैतिकता कितनी है. देन ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. आप अपने ड्यूटीज को लेकर कितने पर्टिकुलर हैं. एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स फीडबैक, स्पेशली क्रिटिसिज्म. जो आपके लिए दूसरों का फीडबैक आ रहा है उससे आप कितना पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और स्पेशली जब वो फीडबैक नेगेटिव है तो आपकी क्रिटिसिज्म है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो आप उसे कितनी पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर पा रहे हैं. दैट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनहेंसिंग योर पर्सनैलिटी. आज का हम अपना लेक्चर यही एंड करेंगे. आज जितना